नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य न्यूज़ और मैं हूं गजेंद्र सिंह चौहान। सरदार शहर के गांव कुंडिया से हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहां पर दो नन्हे मासूम बच्चों की मौत कुंड में डूबने से हो गई। महंत जो कि महज 7 माह का था, जबकि उसकी बहन 3 वर्षीय हिमानी की मौत कुंड में डूबने से हो गई। वहीं इस पूरे प्रकरण में स्तब्ध कर देने वाली बात यह है कि बच्चों की माँ पर ही बच्चों को कुंड में डालने का आरोप लगा है। बच्चों के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं इस पूरी घटना के बाद पूरा शहर है वो स्तब्ध है। इस पूरे प्रकरण के अंदर पुलिस है उसने अपने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई खुद इस पूरे हादसे की जांच कर रहे हैं। खुंडिया गांव की रोही में मां ने ही अपने 2 बच्चों को पानी के कुंड में डालकर की निर्मम हत्या। पुलिस जुटी जांच में। कहा जाता है कि मां की ममता से सर्वोपरि इस दुनिया में कुछ नहीं होता। मां की ममता को लेकर कई सारी कहानियां भी हमने सुनी हैं, जिनमें बताया जाता है कि मां अपने बच्चों को पालने के लिए न जाने कितनी कठिनाइयां झेलती है। इसके साथ ही अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देती है। लेकिन सरदार शहर के खुंडिया गाँव से माँ की ममता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। शुक्रवार रात्रि करीब 11 बजे पुलिस थाने में हृदय विदारक सूचना मिली कि 2 बच्चों की कुंड में डूबने से मौत हो गई है। सूचना पर तुरंत थाना अधिकारी सतपाल बिश्नोई, डीएसपी नरेंद्र कुमार शर्मा और एएसआई हिम्मत सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और बच्चों को कुंड से बाहर निकलवाया। जब तक बच्चों को बाहर निकाला जाता, बच्चों की मौत हो चुकी थी और बच्चों के शवों को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। जरिए दूरभाष सूचना मिली थी कि कुंडिया गांव की रोई में कानाराम की ढाणी है, उसमें 2 बच्चे हैं जो कुंड में डूब गए हैं। डूबने से उनकी मौत हो गई है, जिस पर सीओ साहब और मैं और मेरे जाब्ते के साथ मौके पे गए और जाकर कुंड में से दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया था और जिनकी मौत हो चुकी थी, जिसमें एक लड़की और जिसकी उम्र 3 साल और एक छोटा बच्चा था जिसकी उम्र लगभग 7-8 महीने है। दोनों की बॉडियां बाहर निकलवा कर सरदार शहर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दी गई है और अभी मासूम बच्चों के पिता ने एक रिपोर्ट पेश की है कि कल दोपहर लगभग 3:30 बजे वह खेत में पशु चरा रहा था तो उसकी पत्नी खेत में घर में ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रही थी, जिस पर मैं वापस घर पर आया तो उसने बताया कि मैंने दोनों बच्चों को कुंड में डाल दिया है, जिस पर कानाराम के द्वारा कुंड में देखा गया तो दोनों बच्चे पानी में डूबने से ख़त्म हो चुके थे और परिवादी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम बोर्ड से करवाया जाएगा। अभी पोस्टमार्टम की ये कार्रवाई होने के पश्चात प्रकरण में अनुसंधान किया जाएगा। लेकिन मामले की सच्चाई तब सामने आई जब महिला के पति द्वारा ही पुलिस को रिपोर्ट दी गई। शनिवार को महिला के पति राम सिसर भेड़वालिया निवासी कानाराम पुत्र सुखराम बांबू जाति जाट ने थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई को रिपोर्ट दी कि मैं परिवार सहित सरदार शहर तहसील के कुंडिया गांव में ढाणी बनाकर रहता हूं। शुक्रवार को मैं अपने पशु खेत में पशु चरा रहा था। मेरी पत्नी ममता एवं 3 वर्षीय पुत्री हिमानी और 7 माह का पुत्र मयंक ढाणी में थे। शुक्रवार देर शाम मेरी पत्नी ढाणी के पास बने कुंड पर खड़ी होकर मुझे जोर जोर से आवाज लगाने लगी। मैं भाग कर आया तो मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि हिमानी और मयंक को मैंने पानी के कुंड में डाल दिया है। मैंने देखा तो मेरी पुत्री हिमानी और पुत्र मयंक के शव पानी से भरे कुंड में तैर रहे थे। तब मैंने पड़ोसियों को बुलाया व रिश्तेदारों को सूचना देकर मौके पर बुलाया और मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची और बच्चों के कुंड से बाहर निकाला और बच्चों के शवों को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इस दौरान शवों को बाहर निकालने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मयंक का शव पानी में ऊपर तैर रहा था, जबकि हिमानी का शव कुंड में नीचे मिट्टी में फंस गया था। इस दौरान पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। वहीं पुलिस ने शनिवार दोपहर को परिजनों की मौजूदगी में मासूम बच्चों के शवों का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए और पति की रिपोर्ट पर पत्नी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में हैरान कर देने वाली बात यह है कि आखिर मां ने ही अपने मासूम बच्चों को कुंड में क्यों डाला? क्या मां को एक बार भी अपने मासूम बच्चों पर तरस नहीं आया?
9 महीने तक अपने कोख में अपने बच्चों को पालने वाली इस मां ने यह खौफनाक कदम आखिर क्यों उठाया, पूरे मामले के पीछे क्या वजह रही है, इसकी जानकारी तो पुलिस की जांच में ही सामने आ पाएगी। फिलहाल पूरी घटना से पूरी सरदारशहर तहसील स्तब्ध है। वहीं पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि महिला भी बच्चों को कुंड में डालने के बाद खुद भी कुंड में कूदने वाली थी, लेकिन पानी को देखकर महिला फिर डर गई और कुंड में नहीं कूदी। हालांकि पुलिस इस पूरे प्रकरण की हर एंगल से जांच कर रही है।